पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी होने के बाद पूर्व मंत्री लाल सिंह के बेटे राजिंदर सिंह को हल्का समाना से उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसके बाद वह बिना समय गुजारे अपने हलके में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हो गए हैं। इस मौके पर लाल सिंह के लड़के राजिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि टिकट उन्हें ही दी जाएगी। टिकट मिलते ही वह हल्के में लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है, वह लोगों में सरकार के कामों को लेकर जा रहे हैं। वही एक सवाल के जवाब में कहा कि भले ही कांग्रेस में एक परिवार में एक टिकट देने का फॉर्मूला चल रहा है, लेकिन वह हमारे केस में हाईकमान जल्द ही लाल सिंह को टिकट देंगे। आजाद सबसे पहले तो मैं अपने हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ, मेरे विश्वास दवाया टिकट दी। जो साढ़े को जिस तरह समा बड़ा घट है, असी बिल्कुल धन्यवाद करके सारे अपनी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में इकट्ठे करके कंपेन स्टार्ट की है। तो असी पूरी मुनबद्दी के नाल सारे पिंड सारे शहर समाणे के पिछले शुरू करता है। असी पूरी सू उम्मीद है, बहुत वाला हंगारा, बहुत वाला जोश है लोगों के। असी बिल्कुल हाईकमान पर छड़िया हुआ, असी तो बिल्कुल डिसिपलिन रह के मेरे पिता जी ने साडे परिवार ने तो असी पॉलिटिक्स की है। असी बिल्कुल हाईकमान का असं धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मैं समाणे की टिकट दी है। जिस तरह का जो भी फैसला हाईकमान करूगा सू एक्सैप्ट करेगा। टीवी न्यूज के लिए पटियाला से कमल दुआ की रिपोर्ट।